ये देखो बालकनी के मैं तुम्हारे YouTube चैनल तो अभी टाइम हो रहा है साथ तो मैं तैयार हो गई हूँ अब मैं जा रही हूँ खुलवाने के लिए सो आई एम रेडी। आज मैंने मम्मी का स्वेटर पहना है क्योंकि यहाँ सुबह के टाइम पे ठंडा हो रहा है और कुरकुरी नाना जी ने भी लिया था तो वो ले जा रही हूँ। ये हमारे गाँव का सुबह का व्यू सो मिलती हूँ ना मैं तो गाय जब ये आई है गोदारी की मम्मी हाय गाइस को सोनी जा रहा है बहुत उदास निराश लग रही है ठीक हो बाय सो दीदी और मम्मी यहाँ पे हैं और मैं गाड़ी के अंदर बैठ गई हूँ। मम्मी जा रही है घर को, दीदी पिथौरागढ़ की गाड़ी का वेट कर रही है। तो अब हम लोग निकल गए हैं, ये टॉल है यहाँ पे चौराहा है। सो अब आएगा पुल सामने पे, तो ये इस पुल का नाम है धामे गाँव पुल। तो आपको कैसा लगा बताना गाइस मेरा गांव, ये एरिया धामी गांव वाला है, ये भुजगढ़ नदी है और यहाँ से दीदी को लेने चौकड़ी। सो गाइस अब आएगा टूरिस्ट एरिया, मतलब यहाँ पे कैंप, एक वाइल्ड ड्रिफ्ट कैंप। यहाँ पे बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं तो आप लोग भी विजिट करना, बहुत एक्टिविटी कराते हैं। तो यहाँ पे पानी की टंकी है, ये टंकी नाचने में भी है, वहाँ बच्चे नहाने के लिए जाते हैं। और मैंने तो अभी खाना खाया नहीं क्योंकि कहाँ पे क्या था यार, मैंने नाश्ता उडियारी बैंड में ना, उडियारी बैंड में नाश्ता किया था। सो गुंजन है मेरे साथ, गुंजन हाय मुझे। तो ये भी हमारे गांव साइड की है, मतलब इनका गाँव अलग है हमारा गाँव अलग है, बट हम एक साथ ही आए हैं। सो अब थोड़ा रिंग बनाते हैं यहाँ पर। और ये होटल गप्पू दा लोगों का है, और गप्पू दा टीना दा लोगों का। तो ये है चिताई मंदिर, अल्मोड़ा में पड़ता है ये गुरु देवता जी का मंदिर। पहुँचे अल्मोड़ा में तो मैंने ले ली मिठाई, पैसे दादा ने लिए मिठाई, पैसे उन्होंने दिए, मैंने मना किया तो लकी के लिए रख दी थी मैं, बट पैसे दादा ने दिए। तो अब 81 किलोमीटर और है अल्मोड़ा में। अभी हम लोग पहुँचे हैं कैची धाम। कैची धाम बहुत अच्छा मंदिर है, तो आप लोग भी आना, बाबा जी का है ये द्वार। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों के व्लॉग में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, तो काफ़ी सुंदर एरिया है गाइस जी। तो आप लोग भी पक्का आ जाना यहाँ पर घूमने के लिए, मतलब आपको अच्छा लगेगा कुल मिला के। तो आप देख सकते हो एकदम मस्त है सीन। तो ये सारा मैंने वॉइस ओवर कर रखा है, मतलब उस टाइम पे तो मैं कुछ बोली नहीं, गाड़ी में बहुत सारे लोग थे और मेरा मन भी नहीं हो रहा था बोलने का, बस वीडियो रिकॉर्ड करी मैंने। और यहाँ पे लग गया था इतना सारा ट्रैफिक, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। मतलब ये है कैची धाम से थोड़ा आगे वाला एरिया, पूरा ट्रैफिक में फंस गए थे गाइज हम लोग। आप देख सकते हो कि कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी तो अभी पहुंच गए हम भीमताल, मतलब भीमताल पहुंचने वाले हैं। भीमताल भी बहुत अच्छा एरिया है, मतलब बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं। तो जो लोग नए देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को, तो आप लोग भी आना घूमने के लिए, बहुत अच्छा मार्केट है। मतलब जगह का स्पेस कम है रोड में, बट अच्छा लगा मुझे यहाँ आके भी, मतलब समझ सकते हो आप क्या बोलना चाहती हूँ मैं। यहाँ पर भी ट्रैफिक था गाइस बहुत ही ज़्यादा। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर, फिर मिलती हूँ मैं आपको।
और ये भीमताल से आगे है, मतलब हरिनगर है, पता नहीं क्या नगर है, मुझे पता नहीं, भीमताल से थोड़ा आगे ये एरिया भी इतना अच्छा है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, सीन इतने मस्त मस्त यार थे। और गाइस ये है भीमताल, मतलब ये भीमताल है हाँ, तो वो हरिनगर नहीं था, वो कुछ और था। सो आप भी आना गाइस घूमने के लिए। और ये पहुँच गए हम रानीबाग, ये रानीबाग की नदी है। फाइनली सुबह से शाम हो गया और मैं पहुँच गया अभी हल्द्वानी, काठगोदाम से आगे आगे ही, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तभी मैं कुछ बोली भी नहीं, और गाने वैसे भी गाने में गाने लगी थी। आज मैंने अपना नया घर बनाया है तो आपको दिखाती हूँ, ये देखो बालकनी के वहाँ पे छत में, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील। अभी हमें